आइए हम लोग देखते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर। एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन वैसा ही होता है जैसा थ्री फेज अल्टरनेटर का होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेम रहता है लेकिन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज अल्टरनेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में अंतर होता है। अच्छा, हाउएवर ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि ये मोटर है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर क्या मोटर है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ये मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा किस में, शाफ्ट में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। फिर देखिए यहाँ पे, इट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड और नॉट एट ऑल, ठीक है। हमारा थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा और नहीं तो नहीं घूमेगा, ठीक है। एक चीज़ और जो है इसमें ध्यान रखना है कि इट इज़ ऑल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, खुद से घूम नहीं सकता है, इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है। तो ठीक है, ये घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड पर, नहीं तो नहीं घूमेगा, और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। फिर देखिए, इट इज़ डबली एक्साइटेड मोटर एज इट्स आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय थ्री फेज एसी वोल्टेज एंड फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय डीसी वोल्टेज। कहता है इसको डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं, क्यों, क्योंकि आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग के लिए थ्री फेज एसी सप्लाई लगता है और रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसके लिए डीसी सप्लाई लगता है। तो एसी डीसी दोनों सप्लाई है, इसलिए इसको कहते हैं डबली एक्साइटेड मोटर। अब देखिए, एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो है उसका फिगर में जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग जो है उसमें थ्री फेज सप्लाई लगेगा, ठीक है। और ये देखिए रोटर पर फील्ड वाइंडिंग है, उसमें डीसी सप्लाई लगेगा, ठीक है। तो दो सप्लाई हो गया, ठीक है, एसी डीसी दोनों हो गया, इसलिए डबली एक्साइटेड हो जाता है ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे थ्री फेज सप्लाई देंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखे हैं। अब यहाँ इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टेटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर घूमता है तो इसका मतलब है स्टेटर पर मैग्नेटिक पोल्स घूमता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटर पर जो है मैग्नेटिक पोल्स घूमता है, ठीक है। तो स्टेटर पर भी मैग्नेटिक पोल्स और रोटर पर भी मैग्नेटिक पोल्स होता है, ठीक है। और स्टेटर का फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है और रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, ठीक है। और ये देखिए स्टेटर फील्ड, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। इसी मैग्नेटिक लॉकिंग के आधार पर जो है ये वर्क करता है और इसी मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, जो हम लोग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही चीज़ देखते हैं आगे, आगे पॉइंट्स क्या कहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड। ये मोटर जो है आधारित है मैग्नेटिक लॉकिंग पर, और ये मैग्नेटिक लॉकिंग होता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। दिस मोटर हैज़ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग। इस मोटर का जो होता है, ठीक है, पावर फैक्टर का रेंज बहुत ज़्यादा होता है लैगिंग टू लीडिंग। अच्छा, इट कैन एक्ट लाइक इंडक्टिव लोड, रेसिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये एक इकलौता मोटर है जो इंडक्टिव लोड की तरह भी काम कर सकता है, रेसिस्टिव लोड की तरह भी काम कर सकता है और कैपेसिटिव लोड की तरह भी काम कर सकता है। अब देखते हैं आगे, लोड बिहेवियर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग फील्ड करंट IF। फील्ड करंट को IF जो है उसको वेरी करके लोड बिहेवियर जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से लोड बिहेवियर चेंज होगा। तो देखिए यहाँ, फॉर लो वैल्यू ऑफ IF इट इज़ इंडक्टिव लोड। जब IF कम रखेंगे तो मोटर इंडक्टिव लोड की तरह काम करेगा। फॉर मीडियम वैल्यू ऑफ IF मीडियम रहेगा तो इट इज़ रेसिस्टिव लोड, यानी मोटर जो है मीडियम IF के लिए रेसिस्टिव लोड की तरह काम करेगा। एंड फॉर हाई वैल्यू ऑफ IF इट इज़ कैपेसिटिव लोड। अगर आप फील्ड करंट को अधिक रखते हैं तो ये मोटर कैपेसिटिव लोड की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, अब देखते हैं आगे, विथ हायर वैल्यू ऑफ IF इसको कहते हैं, ठीक है, जब IF का वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो इसको कहते हैं ओवर एक्साइटेड केस। इट इज़ यूज एज सिंक्रोनस कंडेंसर। जब हायर वैल्यू ऑफ IF रखेंगे तो ये कहते हैं ओवर एक्साइटेड केस। तो ऐसे स्थिति पर जो है हमारा जो मोटर होगा वो कहलाएगा सिंक्रोनस कंडेंसर, या फिर आप सिंक्रोनस कैपेसिटर बैंक भी कह सकते हैं। फिर देखते हैं आगे,
दीज मोटर्स फाइंड्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल पावर फैक्टर। तो ये सब मोटर्स जो है सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इंडस्ट्रीज पर यूज होता है और इंडस्ट्रीज का जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो है एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो ओवर एक्साइटेड केस में यूज होगा और किस तरह से जो है इंडस्ट्री के पावर फैक्टर को वो इम्प्रूव करेगा। तो आइए देखते हैं आगे। ये देखिए मैं एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर दिखाया हूँ और एक थ्री फेज सिंक्रोनस कंडेंसर दिखाया हूँ। ये थ्री फेज सिंक्रोनस कंडेंसर है क्या? थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर ही है जिसमें IF क्या है? अधिक है। तो ये देखिए थ्री फेज सप्लाई मिल रहा है, देखिए बस बार है, ये बस बार से थ्री फेज सप्लाई मिलेगा दोनों को। और देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का करंट को मैं I1 कह रहा हूँ और थ्री फेज सिंक्रोनस कंडेंसर का करंट को I2 कह रहा हूँ। ठीक है, टोटल करंट आपका I हो जाएगा, मैं एक ही फेज पर दिखाया हूँ I1, I2 और I को। ठीक है, और वोल्टेज के रूप में जो है कॉमन वोल्टेज के रूप में भी मान लेते हैं। तो देखिए कुछ फेजर डायग्राम्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये देखिए वोल्टेज के रेफरेंस में, ये देखिए पहला फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम विथ ओनली थ्री फेज इंडक्शन मोटर, केवल थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहेगा उस समय का फेजर डायग्राम है ये। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट I1 लैग करेगा। ये जो यहाँ पे फेज एंगल फाई है वो अधिक होने के कारण पावर फैक्टर कॉस फाई जो है हमारा घट जाता है, एंगल अधिक होने के कारण पावर फैक्टर कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं फेजर डायग्राम विथ बोथ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज सिंक्रोनस कंडेंसर, जब दोनों साथ में काम करेगा उस समय का फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए वोल्टेज का रेफरेंस ले लिए हम लोग, मोटर का करंट लैग कर रहा है ड्यू टू इंडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, और सिंक्रोनस कंडेंसर जो है उसका करंट I2 लीड कर रहा है ड्यू टू कैपेसिटिव बिहेवियर। अब ये दोनों का I1 I2 का तो हम लोगों को पोजीशन प्राप्त हो गया, और I1 I2 का जो वेक्टर सम करेंगे वो I प्राप्त होगा, यही टोटल करंट या लाइन करंट है आपका। तो अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आपका काफ़ी कम हो गया, एंगल कम हो जाएगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। और इस तरह से जो है सिंक्रोनस कंडेंसर को, ठीक है, इंडक्शन मोटर्स के पैरेलल में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो इंडस्ट्रियल पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग एडवांटेजेज ऑफ हाई पावर फैक्टर, कि अगर हम लोग पावर फैक्टर को हाई करके रखते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला हम लोग जानते हैं P इक्वल √3 VL IL cos phi होता है। तो यहाँ से अगर हम IL निकालना चाहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा P डिवाइडेड बाय √3 VL cos phi। देखिए P को फिक्स कर दिया हूँ, अगर पावर फैक्टर हाई रहेगा तो लाइन करंट कम हो जाएगा हमारा, इससे क्या होगा लाइन लॉस I² RL जो है वो कम हो जाएगा। तो लाइन लॉस कम होगा तो एनर्जी सेविंग हो जाएगा हम लोगों का लाइन्स में, और इस तरह से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इम्प्रूव कर जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो बेनिफिट है वो यहाँ पे है कि हम लोग जानते हैं P इक्वल √3 VL IL cos phi होता है। P को अगर किलोवाट कहेंगे तो √3 VL IL को जो है KVA कहा जाता है, और पावर फैक्टर cos phi जैसे तैसे रहेगा। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, किलोवाट इक्वल टू KVA cos phi, यहाँ से KVA निकालेंगे तो किलोवाट डिवाइडेड बाय cos phi हो जाएगा। तो किलोवाट को जो है कांस्टेंट रखिए, और देखिए पावर फैक्टर अगर cos phi हाई रहता है तो KVA रेटिंग जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से पावर फैक्टर हाई रहने से KVA रेटिंग कम हो जाएगा, और KVA रेटिंग कम होने से मशीन का साइज रिड्यूस कर जाएगा और मशीन का कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाएगा। तो इस तरह से हाई पावर फैक्टर रखने से क्या होगा, लाइन लॉस भी कम हो जाता है और मशीन का साइज जो है वो घट जाएगा और मशीन का कॉस्ट भी घट जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। एसी मशीन्स का सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल्स पर जाएं, चैनल्स पर वीडियोज पर जाएं, सारा वीडियोज को नीचे से ऊपर की ओर देखें, सारा वीडियो जो है सीरियल वाइज है, सिलेबस वाइज है। धन्यवाद।